बताइए कि क्या संकोच था इस जगह पे आने में बिहार, आपको क्या सोच रखा था आपने कि बिहार के बारे में, कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग था आपको पहले कि बिहार आप अकेले आ रही थी तो आपने मुझे मतलब मैसेज किया। मैं आज एक महिला सोलो ट्रिपर के साथ राजगीर घूम रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मतलब मुझे मैसेज किया था ट्रेवलर कनेक्ट पेज पे कि यार मुझे मतलब बिहार में आने में बहुत ज़्यादा संकोच हो रहा है, सो प्लीज़ मुझे मतलब राजगीर घूमना है, सो आप मुझे हेल्प करो। तो मैं अभी देख पा रहोगे कि मैं रोपवे पे बैठा हूँ और वो जो महिला हैं मिस अनूठी मेहता, वो जो हैं सो मेरे आगे के वो रोपवे पे हैं, आप देख लो वो रोपवे पे, और हम लोग विश्व शांति स्तूप जा रहे हैं ऊपर। और गाइज उनको थोड़ा डर लग रहा था तो वो अभी ऊपर गई हैं, जा रही हैं धीरे धीरे, और देखते हैं उनसे आपको मैं मिलवाता हूँ कि कौन है वो और कहाँ रहती हैं क्या करती हैं। मैं ब्लॉग में कोशिश करूँगा कि उनको मैं साथ में ले जाऊँ। यार ये ढक 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 जो रोपवे का है ना, आप देख लो कैसा नज़ारा है इस जगह से। मेरी एक फेलो ट्रेवलर हैं जो कि गाजियाबाद से, इनका नाम है मिश अनूठी मेहता और ये गाजियाबाद से, और इन्होंने मुझे पर्सनली मतलब मेरे पेज पे ट्रेवलर कनेक्ट पे मैसेज किया था कि मुझे बिहार घूमना है, और शायद ये जो हैं सो मतलब संकोच में थी बिहार को लेके कि आखिर मैं बिहार जा रही हूँ तो ये सेफ़ है या नहीं है। तो आइए जानते हैं हम इनसे कि आखिर क्या संकोच था, आप बताइए कि क्या संकोच था इस जगह पे आने में बिहार, आपको क्या सोच रखा था आपने कि बिहार के बारे में, कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग था आपको पहले कि बिहार आप अकेले आ रही थी तो आपने मुझे मतलब मैसेज किया। हाँ नहीं, आपको तो मैंने मैसेज किया, लेकिन हाँ थोड़ा सा होता है ना एक दिमाग में, क्योंकि जहाँ जहाँ भी रहे हैं यूपी में अपने, हम तो यूपी के ही हैं तो वहीं रहे हैं, तो लेकिन वहाँ पे ऐसा सुनने में रहता है कि हाँ लोग और हम देखते हैं, तो एक थोड़ा रहा था एक मतलब दिमाग में कि पता नहीं कैसा रहेगा, डर रहता अच्छा, है। क्या, सोलो ट्रैवलर है, ठीक है सोलो ट्रैवलर, सोलो तो मैं भी घूमता हूँ तो, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा सा रूल्स चेंज हो जाता है कि लड़की होने की वजह से मतलब थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप यहाँ के बारे में क्या सोच रखा था बिहार के बारे में? बिहार वैसे बहुत सुंदर है जो मुझे देख के लगा वीडियोस में, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बिहार आके बिहार को देखना चाहती हूँ, एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। और यहाँ पे मतलब मुझे तो जितने भी मैंने किसी को बताया कि मैं बिहार जा रही हूँ तो हर कोई कह रहा है अरे बिहार में क्यों जा रही हो, वहाँ कौन है पहली बात तो ये, और फिर किसको जानती हो। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि मतलब जहाँ आप जाओ घूमने के लिए वहाँ कोई हो ही सके संबंधी, या फिर ये तो कोई जरूरी नहीं। सोलो ट्रैवलर के लिए तो कभी नहीं होता, सोलो ट्रैवलर के लिए तो मैं हमेशा एक कॉन्टैक्ट रखती हूँ ताकि मुझे कभी दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो कोई ना कोई रहे थोड़ा बताने के लिए कि क्या है। और बिहार में ऐसा था थोड़ा सा, मुझे भी डर था, मतलब एक पहला मुझे भी थोड़ा सा लगा, बट हाँ मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। इनफैक्ट मैं आपको ये बताती हूँ एक इंसिडेंस मेरे साथ जो अभी हुआ है ट्रेन में। अच्छा, ट्रेन में मेरे पास मैं लाना भूल गई थी अपनी चादर वगैरह। अच्छा, तो मेरे साथ जो भैया बैठे हुए थे दो लड़के थे वो, तो उनसे ही मैंने कहा, मैंने ऐसी बोल दिया, मतलब बात बात शुरू हो गई उनसे थोड़ी बहुत कि अच्छा। हाँ क्या आएगा, स्टेशन वगैरह पूछ रही थी, तो मैंने उन्हें सिर्फ एक चादर की बात बोली थी। अच्छा, ठीक अच्छा। है, फिर मैंने और भी थोड़ी एक दो चीज़ें पूछी, खाने वाने का पूछा ट्रेन में कैसा रहेगा, तो क्योंकि गरीब रथ से मैं आई हूँ तो मुझे ऐसा वो था स्पेक्यूलेशन। तो लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें एक ये बात बोली कि मुझे चादर चाहिए, तो उन्होंने तुरंत मतलब कम से कम 5 जगह उस बंदे ने फ़ोन लगा दिए इस बात के लिए, जबकि मैं मना कर रही थी। फिर मैंने भी थोड़ी कोशिश करी पर नहीं मिला, उनके कोई जान पहचान के थे, क्योंकि वो थोड़ा अपना ट्रेन में ही कुछ काम करवाते हैं टिकट वगैरह का, तो उनके थोड़े थे जान पहचान, तो उन्होंने अपने लोगों को भी फ़ोन मिला,
लेकिन उनके आने ही वाले थे लोग, फिर भी उन्होंने मुझसे दो बार पूछा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने अरेंजमेंट करवा भी दिया और दो ऑप्शन भी दे दिए मुझे कि आप ये ले लो या ये ले लो। अच्छा, अच्छा, मतलब इतनी ज्यादा हेल्प मैंने सोचा नहीं था कि मुझे हो जाएगी। एक्चुअली में होता क्या मिल भी गई कि बिहारी लोग बहुत ज्यादा, बिहारी लोग तो ऐसे हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, फिर भी कुछ लोग क्या है कि कुछ है ऐसा चीज जहाँ से बदनामी आ जाता है बिहार के नाम पे, जैसे चोरियां हो रही है। हालांकि जब से नीतीश कुमार जी आए तो ऐसा कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा लेवल पे, लेकिन इधर जैसे कि आप अभी राजगीर में हैं तो आप आए तो बस वगैरह, तो वो सर्विसेज आपको कैसे लगे बिहार के जो बस सर्विसेज थे और फिर और भी नहीं, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ क्यों बोलना है? सर्विस तो अच्छा था, ऐसे कोई वो बात नहीं थी कि सर्विस में कोई दिक्कत थी, जो पूछा गया वैसा उन्होंने बताया था। हाँ, लेकिन थोड़ा टाइमिंग को लेके थोड़ा आगे पीछे। हाँ, तो एक्चुअली में क्या है ना कि बिहारी जो होते हैं और बिहार के जो सिस्टम्स हैं थोड़ा सा टाइमिंग बहुत कम मायने रखता है, लेट्स थोड़ा होता है क्योंकि जब तक उनको पैसेंजर नहीं मिल जाता है पूरा तब तक वो मतलब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि अरे भाई एक दो पैसेंजर और अगर मेरे बस में आ जाए तो ठीक है, ऐसा कुछ मतलब सोच के चलते हैं। शायद थोड़ा मुझे लगा कि लिमिटेड थी इस वजह से ऐसा था, नहीं तो ऐसे जगह कई जगह ऐसा होता है ना कि 10-10 बसेस लगी हुई है तो फिर उन्हें निकलना ही पड़ेगा कि भाई एक आ रही है तो दूसरी आने। ठीक है, मतलब हर जगह का एक अपना एक सिस्टम होता है, बट हाँ मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा और लोगों को भी जैसे जैसे सिटीज एडवांस हो रही हैं खुद भी लोग पहले एडवांस हो तो मुझे ऐसा लगता है वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अच्छा। जगह तो मतलब बहुत अच्छा आपको ये राजगीर है। अभी गाइज अभी हम लोग शांति स्तूपा में हैं जो कि राजगीर का एक वन ऑफ फेमस अट्रैक्शन है, पीछे ही है। हाँ, तो मेरे पीछे आप देख भी सकते हो। और मिस अनूठी जो है, सो आपको कैसा लगा ये जगह? मुझे तो ये तो बहुत ही सुंदर है, मतलब जो भी मैंने अभी तक जब से मेरे दिमाग में जो सुंदर जगहों में है उनमें ये शामिल हो चुका है, अब ये एक जगह तो शामिल हो ही गई है। अच्छा। और मुझे था भी कि सुंदर ही होगा क्योंकि इसके आसपास ही इतनी ब्यूटी है, मुझे लगता है सब बिहार के लोगों को ये ब्यूटी भी बहुत अच्छे से संभाल के संवार के रखनी चाहिए क्योंकि अगर हमारी यही जंगल वगैरह ये सब नहीं रहे तो फिर ये ब्यूटी भी नहीं रहेगी। हाँ, तो मैं अपने व्यूअर को बोलता रहता हूँ कि आप अपना जंगल बचा के रखे, जंगल रहेगा तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, बारिश बारिश टाइम पे होगा, ये सब तो मैं अक्सर बोलता ही रहता हूँ। और तो मतलब बिहार, हाँ गर्मी एक्चुअली में राजगीर जो जगह है, मिस अनूठी को मैं बता देता हूँ, राजगीर जो जगह है वो मेनली ठंडा में टूरिस्ट देखने को बहुत मिलेंगे आपको विंटर सीजन में, आपको गर्मी के टाइम में जो है सो बहुत गर्मी होंगे और ज्यादातर टूरिस्ट कम है इस वजह से मतलब भीड़ भाड़ उतना ज्यादा नहीं रहता अभी फिलहाल। और एक और चीज मैंने आज डेयरिंग करी है, देखिए रोप वे का टिकट है मेरे पास जो सबसे ज्यादा डरावनी चीज है यहाँ पर। अच्छा, आपको रोप वे में कैसा लगा, रोप वे राइड आपने किया तो मतलब क्या फील किया? बहुत ही ज्यादा डर लगा एक्चुअली में यार, ये जो है ना सो इनका अगर वीडियो मतलब मैं बना पाता तो मैं बनाता था, मुझे लग रहा था ना वो यूं आंख बंद करके बिल्कुल बैठी हुई थी। आप बना सकते हैं और मेरा पूरा मजाक उड़ा सकते हैं इस मामले में क्योंकि नहीं नहीं मजाक बात है कि मैं बहुत डरी बैठी होंगी और कोई भी देखेगा तो ये नहीं, क्योंकि लोग जो नीचे आ रहे थे तो वो बोल रहे थे कि वो जो महिला है वो डर रही हैं, तो मुझे लगा कि भाई मिस अनूठी को कोई प्रॉब्लम, एक्चुअली में इसमें डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। वो क्या है ना, रोप जो रोपवे है तो वो जो केबल है मेटल वाला वो बिल्कुल मजबूत होता है, उसपे ऐसे करके वो लटका हुआ रहता है जिसपे हम लोग बैठे हुए बस, रहते बस, अभी आप एक्सप्लेन तो... मत करो, मुझे जाना है, प्लीज मुझे जाना है नीचे। तो गाइस ये है मिस अनूठी और ये गाजियाबाद ना जी। कौन सी सिटी से है गाजियाबाद? इंदिरापुरम सिटी नहीं है, गाजियाबाद एक खुद ही सिटी है, मतलब जगह है, जगह इंदिरापुरम से है ये, वैशाली है, यहाँ भी वैशाली है। अच्छा, ये इंदिरापुरी से है और आज हम लोग दोनों सोलो सोलो साथ में घूम रहे हैं और इनको थोड़ा बिहार से डर लग रहा था तो अब नहीं लग, आप बताओ व्यूअर्स कि इनको डरना चाहिए बिहार से या नहीं डरना चाहिए? और वीडियो पे डाल दिया, अब तो डर ही नहीं सकते। ठीक है गाइज, आगे कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको देता हूँ। गाइज विश्व शांति स्तूपा से जस्ट मैं निकल रहा हूँ और ये देखिए ये लोग अपना साफ सफाई कर रहे हैं अनूठी को डर लग रहा है। गाइज अब जो है सो नीचे जा रहा हूँ, हम लोग एक घंटा लगभग रुके ऊपर
और यार बिहार आने से लोग डरते हैं बिल्कुल, पता नहीं क्यों। नीचे वो डर रही है, उनको जो है सो। मैं तो बचपन से यार ये रोप वे देखते देखते बड़ा हो गया समझ लो, मुझे तो इस जगह से डर लगता नहीं है, और डरने का भी क्या है, कुछ नहीं है इसमें। हाँ थोड़ा सा लोगों को लगता है कि आप देख सकते हो ये जो है ना, ये एक बिल्कुल छोट इतना मोटा सा रोप जो कि मेटल का है, और उस पर वो ये जो है हम जिस पे बैठे वो ऐसे करके वो बस अटैच है, तो लोगों को डर लगता है बहुत लोगों को, ये पता नहीं, लेकिन हमें तो कुछ वैसा लगता नहीं तो